मंत्री जीतू पटवारी ने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की है, जो आम तौर पर राजनेता नहीं करते हैं। मंत्री जीतू पटवारी ने अपने होशंगाबाद दौरे के दौरान महिला की लाश सड़क पर देखकर अपनी गाड़ी रोकी और पुलिस को बुलाकर घटना की जानकारी दी। महिला की लाश के पास उसका पति बैठा हुआ था, जिसकी गाड़ी को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार कर चला गया था। कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा व खेल मंत्री जीतू पटवारी ने बता दिया है कि मंत्री या नेता भी संजीदा होते हैं। रविवार को पटवारी मड़ई से भोपाल जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बाइक सवार अनिल मीणा घायल हालत में रोड किनारे बैठा हुआ है और एक महिला जो उसकी पत्नी है का शव पड़ा हुआ है। मंत्री ने तुरंत अपनी कार को रुकवाया और पुलिस को फोन घुमाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के पहले पटवारी ने एक गाड़ी रुकवा कर महिला का शव व घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहां से गुजर रहे लोग भी यह नजारा देख रुक गए थे और इस पूरे घटनाक्रम में वे आधे घंटे तक स्पॉट पर रुके रहे। 108 वाले को बुला भैया। अरे 108 वाले को बुला। अरे 100 डायल को बुला। चलो आप ये गाड़ी एक तरफ करो और इनको भी करो। और एक बड़ा छत्तर निकाल इसमें से, बड़ा छत्तर निकाल। बड़ा टावेल आवेल निकाल लो, उसको मेरे बैग में है, मेरे बैग में। जरा एक मिनट भैया, दो जने यहाँ खड़े हो जाओ। और वो क्या हुआ 108 का पूरा पर्सन लगा रही। मंत्री के जाने के बाद बाबई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन मंत्री जीतू पटवारी ने जो मिसाल छोड़ी है, वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि सड़क दुर्घटना में हमेशा घायलों की मदद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।